शांति शांति रोखदया शांति भारत पताया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वत्र शांति शांति रे व शांति सामा शांति रे अनुरोध करना चाहूंगा कि भगवान परशुराम की प्रतिमा लेकर के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सतीश चंद्र मिश्र जी का सम्मान करने का कष्ट करें श्री राजकुमार सिंह जी। ब्रज किशोर सिंह जी पूर्व मंत्री धीर से निषाद जी देवेंद्र प्रताप और सानू सिंह जी देवेंद्र प्रताप और सानू सिंह जी जिलाध्यक्ष बस्ती श्री जयहिंद जी पुष्पा चंद्रा जी राधेश्याम जी नंदन सिंह जी माननीय मुख्य अतिथि का स्मृति चिन्ह द्वारा स्वागत सम्मान हो चुका है। अब हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री जो इस कार्यक्रम में ओम आदित्यावशो रुद्र विश्वे देवा सपैत्रिका तिलकंतु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और इस आंदोलन में जयंत मिश्रा जी हनुमान जी की भूमिका अदा कर रहे। जयंत मिश्रा जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप कृपया मंच पर आने की कृपा करें। श्री नकुल दुबे जी से आग्रह करता हूँ कि यहाँ आए हुए इस विशाल सम्मेलन में उपस्थित हमारे प्रबुद्ध जनों को अपने दो शब्द से उनका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें सम्मानित श्री नकुल दुबे जी। सीनियर पत्रकार हैं आइए आज बस्ती की इस ऐतिहासिक धरती पर प्रबुद्ध समाज की यह संगोष्ठी हो रही है। मैं अपनी कोई बात रखूं इससे पहले आपके ही बेटे आपके ही भाई आपके मित्र जिन्होंने डॉक्टरी की दुनिया में
बहुत थोड़े से समय में ख्याति प्राप्त की है। डॉक्टर विश्वनाथ जी जो बस्ती के रहने वाले हैं, मैं उनसे उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और यहाँ पर सर समाज के साथ साथ अपने ब्रह्म समाज को भी अपने उद्बोधन से आलादित करने की बात करें, उनको सम्मानित करने की बात करें और उनसे अपना क्लेम मांगे भाई डॉक्टर विश्वनाथ जी। सबका यहाँ पे स्वागत है। हमारे पापा का बद्दी की धरती पे स्वागत है। हम यहीं के पैदाइश हैं, यहीं के रहने वाले हरैया के। आप सबका आशीर्वाद चाहेंगे कि आप बहुजन समाज पार्टी को अपना आशीर्वाद दें और पापा के हाथ आप जितने मजबूत करेंगे उतना वो यहाँ का विकास और आप लोगों की बातें आगे तक बढ़ा सकेंगे। आप कृपया उनकी बातें को ध्यान से सुने, आगे उसको बढ़ाएं और लोगों तक दूर दूर तक इसका संदेश पहुंचाएं। यही आपसे विनय है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। माननीय आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय ने संपूर्ण प्रदेश में, मैं तो भारत के कई कोनों को भी जानता हूँ, संपूर्ण प्रदेश में सर समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी है, आप सब लोग जितने लोग यहाँ पर बैठे खड़े हैं आप लोग गवाह हैं। किसान 2004-05 के बीच में जब हमारे समाज के साथ इस तरह का अनाचार और व्यभिचार हो रहा था तो माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने अगुवाई करके सन 2007 में आप सबके आशीर्वाद से आपकी सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया था। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सर्वसम्मत बहुमत मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया था। आज हम सबके बीच में है, आप सब लोग उसके विचारों को सुनने के लिए यहाँ पर संकल्पित है, यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा देर बाधा न बनते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात पूछना भी चाहता हूँ आप सब लोगों से। क्या सन 2017 से लेकर के, खासतौर से 2017 से लेकर के 2021 में उत्तर प्रदेश की जनता को परेशान किया गया कि नहीं किया गया है? मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ। तो अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को परेशान किया है तो क्या उनको उत्तर प्रदेश में शासन करने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो आइए मेरे साथ आवाज लगाइए, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद। जब वो हम सबको अगुवाई, हम लोग की अगुवाई करने को तैयार है, हम सबको नेतृत्व देने को तैयार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके उत्तर प्रदेश की सीमा को बाहर पहुंचाने को तैयार है, तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के मान सम्मान और उनके साहबान के लिए सर्वप्रथम करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर बनाए और संकल्प ले कि सन 2022 में हम लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस उत्तर प्रदेश का पार्टी विभाग मुख्यमंत्री बना करके कानून द्वारा कानून माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, आज हमारे लिए एक बड़ा दिन है, इसलिए बस्ती में हम पहले भी आए हैं लेकिन अब की बार हम बस्ती में जब आए हैं तो बस्ती के जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं वो हमारे मान्य हो चुके हैं, क्योंकि हमारी पुत्री की शादी अभी आपके सामने डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी बोल रहे थे उनके साथ में हुई है और पंडित श्री पंडित उमा शंकर
त्रिपाठी जी जो कि वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। ये डॉक्टर विश्वनाथ जी के बाबा हैं और इनके चाचा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, गण नायक जी, और ये पूरा परिवार यहाँ पर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप लोगों के साथ साथ में मौजूद है। मंच पर बैठे श्री नकुल दुबे जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री ओ पी त्रिपाठी जी, पूर्व MLC एवं सेक्टर संयोजक प्रबुद्ध वर्ग बस्ती फैजाबाद देवीपाटन मंडल, माननीय श्री घनश्याम चंद खरवार जी, पूर्व सांसद, लोकसभा राज्यसभा मुख्य सेक्टर प्रभारी श्री दिनेश चंद्रा जी, MLC एवं नेता विधान परिषद एवं मुख्य सेक्टर प्रभारी श्री अरुण द्विवेदी जी, श्री जयंत मिश्रा जी, श्री राजकिशोर सिंह जी, पूर्व मंत्री जो आपके बीच में हैं, जिनके इतने बड़ी संख्या में उनके चहेते आए हैं कि हम लोगों को 7 किलोमीटर का रास्ता था जहां पर हम रुके थे और हमने पूछा कि कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कहा कि लगभग 1 घंटा। तो हमने कहा आज तक तो कभी हम 7 किलोमीटर 1 घंटे में नहीं पहुंचे हैं, कोई खास बात होगी। लेकिन जब उनके साथ में हम निकल करके आए तो मालूम पड़ गया कि 1 घंटा नहीं, हमको तो 1.25 घंटा लगा यहाँ आने में, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में इनके चहेते और इनके लोग रास्ते में स्वागत करने के लिए मौजूद थे। श्री बिशकिशोर सिंह जी, पूर्व मंत्री, डिम्पल भैया, श्री KK गौतम जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी बस्ती मंडल, श्री करुणाशंकर पांडे जी, श्री अरुण दुबे जी, कल्पनाथ बाबू जी, सुभाष गौतम जी, कृपा शंकर गौतम जी, पंडित सदूरानंद शर्मा जी, अतर सिंह गौतम जी, जय हिंद गौतम जी, राधेश्याम जायसवाल जी, संजय उपाध्याय जी, लवकुश उपाध्याय जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पप्पू सिंह जी, पूर्व प्रमुख श्री राणा सिंह जी, KK गुप्ता जी। स्वर मैं यहाँ पर अपनी बात यहाँ करूँ उसके पहले यहाँ पर आए हुए इतनी बड़ी संख्या में हम बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए जो लोग यहाँ मौजूद हैं और मीडिया के साथ, सबसे पहले मैं आप लोगों से इस गोष्ठी में अपनी चर्चा करूं, आपसे बातचीत करूं, उसके पहले मैं आप लोगों को एक खुशखबरी भी देना चाहता हूं और उसी से बात शुरू करना चाहूंगा और उसके बाद अपनी चर्चा भी करूंगा। माननीय श्री राजकिशोर सिंह जी हमारे साथ में, हमारे छोटे भाई हैं, ये यहाँ पर खड़े हैं और इनको माननीय बहन मायावती जी द्वारा जो हमारी नेता हैं और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और अब ये भी निश्चित हो चुका है कि अगले साल 2022 में वो 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने से उनको कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर के और श्री राजकिशोर सिंह जी को हरैया विधानसभा से प्रभारी घोषित करने का काम किया है और ये राजकिशोर सिंह जी बस्ती में इतने चहेते हैं कि इनको एक विधानसभा में हम लोग नहीं बांध पा रहे हैं। हम लोगों ने सोचा था कि हरैया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और हरैया विधानसभा को में देखने का काम करेंगे और अपनी जीत हासिल करने का काम करेंगे, लेकिन इनकी शख्सियत को देख करके और जिस तरह से यहाँ पर पूरे बस्ती जिले में ये चहेते हैं सबके, इसको देख करके इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है पार्टी के द्वारा कि ये बस्ती की 5 की 5ों सीटें जिताने का जिम्मा श्री राजकिशोर सिंह जी ने अपने कंधे पर लिया। और ये अकेले इसमें साथ में नहीं है, इनके चहेते पुत्र भी आपने देखा कि
किस तरीके से पूरा उनको लोग चाहते हैं और वो साथ प्रेम के लगे रहते हैं और सबसे ज्यादा साई की तरह या कहें हनुमान की तरह जो डिंपल भैया हैं वो भी लगे रहते हैं और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठाने का हम लोगों से वादा किया। भाइयों, हम लोगों ने 23 जुलाई को हम लोगों ने अपना ये कार्यक्रम शुरू किया था, हम लोगों ने ये सभाएं शुरू की थी और इस सभा को शुरू करते हुए हम लोग सबसे पहले अयोध्या गए और अयोध्या में जाकर के हमने रामलला के दर्शन किए और उसके बाद हमने आगे बढ़ने का काम किया और उसी दिन के हम लोगों ने तय कर लिया कि हम लोग इस कार्य जो हम लोगों का ये कारवा है और जो ये घोषणा हम लोग करते हुए चल रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में उसको हम लोग रोकने का काम नहीं करेंगे जब तक कि पूरे उत्तर प्रदेश में 75 के 75 जिलों में नहीं घूम लेंगे तब तक हम लोग वापस रहने का काम नहीं। 74 जिले उत्तर प्रदेश के 74 जिले कल की तारीख में पूरे हो जाएंगे। आज जो है 72वां जिला, इसके बाद हम लोग करेंगे ये 71वां जिला है और इसके बाद जा करके हम लोग संत कबीर नगर जब जाएंगे तो वहां पर 72वां जिला होगा। कल 9 जिले करने के बाद हमारे पूरे 74 जिले हो जाएंगे और फिर लखनऊ की सभा होगी जो आखिरी हमारी सभा होगी और लखनऊ की सभा जो होगी उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिले से जो हमारे मुख्य लोग थे जो हम लोगों के साथ इस कार्यक्रम में लगे थे और बराबर अपने अपने जिले में उन्होंने हम लोगों का हौसला बढ़ाने का काम किया तो वो मुख्य लोग भी पूरे उत्तर प्रदेश से उस सभा में आएंगे और लखनऊ के लोग को आने का ही काम करेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि वो जो 75वीं सभा हमारी होगी, गोष्ठी होगी, उसमें बहन कुमारी मायावती जी हमारी मुख्य अतिथि के रूप में और सभी लोगों को अपना वो आशीर्वाद देने का काम उस दिन करने का काम करेंगे। भाइयों, जब हम अयोध्या गए तो अयोध्या जब गए तो वहां पर हमको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रोकने की कोशिश की और रोकने की कोशिश किस तरह से की, उन्होंने हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए, बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए अपने मीडिया के साथियों के द्वारा। मीडिया बंधुओं को कहा कि इनसे पूछो कि इनका अयोध्या में क्या लेना देना, ये अयोध्या क्यों आए हैं। अयोध्या में तो भारतीय जनता पार्टी का ठिकाना है, भारतीय जनता पार्टी के पास ठेका है, इनसे क्या अयोध्या से लेना देना और ये रामलला के दर्शन करने क्यों आए हैं। बहुत अजीब सा लगा मुझे सुन करके और इसलिए अजीब सा लगा कि इनकी ये बात हमें समझ में नहीं आई। क्या श्री भगवान का, भगवान राम का कोई ठेका ले सकता है? क्या उनके बारे में ठेकेदारी कोई कर सकता है? क्या उनके दर्शन कराने के लिए कोई ठेकेदारी कर सकता है? हम लोग तो ब्राह्मण समाज में पैदा हुए लोग हैं, हम लोग तो घर से जब निकलते हैं तो पहले हम लोग सभी जितने भी भगवान हो जो हम जिनकी हम पूजा करते हैं, चाहे श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे श्री हनुमान जी हो, देवी माँ हो और चाहे जो भी हो, चाहे भोले शंकर जी हो, हम लोग उनकी स्तुति जो बचपन से हम लोगों को रटाई जाती है वो हम लोग पहले पूजा करने का काम करते हैं और उसके बाद घर से बाहर निकलने का काम करते हैं। हम लोगों के तो संस्कार पैदा होने से ही डाल दिए जाते हैं कि आप घर से ही निकलेंगे जब तक इनकी स्तुति नहीं करेंगे। वो बात दूसरी, जब हम लोग का उपनयन संस्कार होता है जो कि 7वां संस्कार होता है ब्राह्मणों का, तो उस समय होते होते फिर हम लोगों को गायत्री मंत्र सिखाया जाता है और गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार भी तभी दिया जाता है। लेकिन रामलला के दर्शन करने से क्यों रोकेंगे हमको? हम तो उसके पहले भी गए लेकिन अब की बात रोक रहे थे तो उसके पीछे कुछ कारण था, पहले हम समझ नहीं पाए। लेकिन जब हम वहां पर गए अयोध्या में और पूरे अयोध्या में घूमे और अयोध्या में घूमने के बाद हम सरयू नदी में भी गए, हमने वहां जलाभिषेक किया, दूध का अभिषेक किया और उसके बाद जब हमने गलत अपनी बात कहना शुरू की तो उस समय तक हमको पता लग गया था कि क्या कारण है। और कारण क्या था? कारण यह था कि आप सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा भारतवर्ष, पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने सन 93 से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने
और जब तक सर्वोच्च निर्णय का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था उस दौरान जो कि लगभग 2 साल होने वाले हैं उस दौरान में इन्होंने रामलला के नाम पे रामलला के मंदिर बनाने के नाम पे इन्होंने 1-2 रुपया नहीं लाखों करोड़ रुपया इन्होंने पूरे प्रदेश से ही नहीं पूरे देश से और विदेशों से भी इकट्ठा कर लिया था कि हमको मंदिर बनाना है और उसके नाम पे रुपया गया। जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया आपको भी याद होगा आप लोगों ने भी इनका चेहरा देखा होगा भारतीय जनता पार्टी और इनके जो सहयोगी लोग हैं जैसे ही निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का आया जिसमें इनका कोई योगदान नहीं था योगदान को हम कब मानते इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में भी थी और केंद्र में भी थी ये कानून बना करके और कोई एक अपना कानून जैसे पास करा लेते हैं शोरगुल मचा करके कर लेते हैं कोई कानून बनाया होता तो समझ में आता लेकिन यहाँ तो सर्वोच्च न्यायालय का जब निर्णय आया तो इनका चेहरा इतना उतरा हुआ था सबसे ज्यादा दुखी यही नजर आ रहे थे और इसलिए दुखी थे क्योंकि इनको ये लग रहा था कि अब तो हमारी राजनीति खत्म अब किस बात की राजनीति करेंगे किस बात के हम लोगों को आपस में भिड़ाने का काम करेंगे कैसे हम दंगा फसा कर रोने का काम करेंगे और कैसे हम धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम करेंगे अब तो ये सब बंद हो जाएगा और लोग हमारी असलियत पूछने लगेंगे हमारे झूठे वादों के बारे में पूछने लगेंगे इसलिए ये परेशान थे और जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया तो उसके बाद इन्होंने किया लगभग 1 साल बाद पिछले साल 5 अगस्त 2020 को इन्होंने एक बड़ा भारी कार्यक्रम किया अयोध्या में और उस कार्यक्रम में इन्होंने दिखाने का काम किया लगभग 200-250 करोड़ रुपए खर्च किए और ये दिखाने का काम किया कि देखिए हमको मंदिर बनाने जा रहे हैं हम मंदिर की शुरुआत कर रहे हैं और इसलिए हम भूमि पूजन कर रहे हैं हम न्यूज का पूजन कर रहे हैं लेकिन जब हम वहां पर गए तो हमको तब पता लगा कि वहां तो न कोई भूमि जहां पूजन किया था वो भूमि दिख रही है न कोई न्यू दिख रही है वहां तो सिर्फ जमीन दिख रही है न्यू तो इन्होंने ये भी कहा था कि 1 साल निकल जाने दीजिए अगले साल आप मंदिर में आकर के पूजा करिएगा हम तो मंदिर देखने गए थे मंदिर कहां से बनेगा जब वहां पर अभी न्यू बनना भी शुरू नहीं हुई है पहला गड्ढा भी नहीं खोदा गया है तो न्यू क्या बनेगी और मंदिर क्या बनेगा लेकिन मंदिर के नाम पे इन्होंने आपने देखा कि पिछले वर्ष से लेकर के अभी तक इन्होंने फिर से लोगों को झोला लेकर के पूरे देश में भेज दिया उत्तर प्रदेश में भी भेज दिया और कहा कि जाओ घर घर और राम के नाम पर वो रुपया मांगो और रुपया इसलिए मांगो तो उनको मंदिर बनाना पुराना रुपया कहां गया अगर फिर से रुपए की जरूरत पड़ गई उसका क्या हिसाब है वो हिसाब देने को तैयार नहीं होते हैं और क्या है कि इन्होंने फिर से 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राम के मंदिर के नाम पे फिर से ले लिया फिर से इकट्ठा कर लिया और करा क्या था भूमि पूजन के नाम पे धोखा देते हुए 5 ईंटों का पूजन किया था फिर से पुरानी तस्वीरें उठा के देख लीजिए फिर से पुराने यूट्यूब में खोल करके देख लीजिए 5 ईंटों का पूजा की थी उन ईंटों का ईंट पूजन किया था और वो ईंटें कहां गई ये भी किसी को नहीं पता सरयू नदी में डाल दी या फिर अपने पास इन्होंने कहीं माली में बंद कर ली तिजोरी में बंद कर ली किसी को नहीं मालूम लेकिन मंदिर की तो शुरुआत ही नहीं हमने तो सोचा था कि अयोध्या सोने की नगरी बन गई होगी हजारों तो मिलेगा हमको तो वहां सोने की नगरी मिलेगी लेकिन वहां पर क्या था सिवाय गड्ढे सिवाय गंदगी वहां पर अयोध्या में एक भी कार्य इन्होंने किया हो तो वो सामने नजर आता इन्होंने कोई भी काम नहीं किया आप उत्तर प्रदेश का सबसे खराब जिला चुन लीजिए जो आपको सबसे खराब लगता हो वैसे तो आज पूरा उत्तर प्रदेश की ही छींछा लेदर है आपके क्षेत्र में भी और आसपास भी और कहीं भी चले जाइए हम तो पूरा उत्तर प्रदेश अपनी गाड़ी से ही घूम करके हर जिले जिले गए हैं सभी जगह का बुरा हाल है कहां पर कौन सा विकास किया है कहीं समझ में ही नहीं आता है हर जिले में गए हर जिले का बुरा हाल है लेकिन अयोध्या अयोध्या का तो जो सबसे बुरा जिला उत्तर प्रदेश का होगा उससे ज्यादा बुरा हाल अयोध्या का अयोध्या में कोई भी काम इन्होंने नहीं किया जो भी वहां पर काम करना हमको दिखा कौन सा काम दिखा
क्योंकि बहन मायावती जी की सरकार में जब 2007 से 12 की सरकार थी तो जो काम किए गए, चाहे वो वहां पर जो परिक्रमा होती है और परिक्रमा का जो सड़क है उसको हम लोगों ने, उसकी बहुत खराब हालत थी, उसमें लोग 10 कदम नहीं चल पाते थे, उसको बहन मायावती जी ने निर्देश देकर के और उसको ठीक ही नहीं कराया, उसको चौड़ा करा करके 12 मीटर करने का काम किया था। सड़क चौड़ा करने के पहले उन्होंने पूरे अयोध्या में सीवर लाइन नहीं थी, पानी की लाइन नहीं थी, उन्होंने पूरे अयोध्या में सीवर लाइन डलवाई, पानी की लाइन डलवाई और उसके बाद सीवर की लाइन डलवाने के बाद वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम किया, जिससे कि जो सारे सीवर का गंदा पानी है वो सरयू नदी में गिरने के पहले उसका ट्रीटमेंट हो जाए और साफ हो जाए, उसके बाद सरयू नदी में करोड़ों रुपए लगा करके उन्होंने बनाने का काम किया। सरयू घाट में गए तो सरयू घाट में जो घाट बहन मायावती जी की सरकार में ठीक किया गया था और जिसको बनाने का, सुदृढ़ करने का काम किया था, उसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं मिला। वो घाट के जहां पर ये हर वर्ष जाते हैं, अभी फिर दीपावली आ रही है, अभी कोई और कार्यक्रम होगा, ये वहां पर पहुंच जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे और लोग बहुत लौ लश्कर के साथ में जाएंगे और वहां दीपक जलाने का काम करेंगे, कहेंगे 3 करोड़ दीपक जला दिए, पिछले वर्ष हमने 2 करोड़ जलाए थे, अब की 3 करोड़ जला दिए, और इससे कहेंगे कि वाहवाही हो गई, अरे 3 करोड़ दीपक तुमने जलाए हैं, इन 3 करोड़ में जो 30 करोड़ रुपए खर्चा किए जाते हैं उस कार्यक्रम में और पूरा मिला करके कार्यक्रम में 100 करोड़ रुपया खर्चा किया जाता है, उस रुपए को अगर अयोध्या नगरी में लगा दो तो अयोध्या नगरी सुधर जाएगी और वहां पर भगवान राम की नगरी सुधरने का काम करेगी। ये दीपक भी जो जलाते हैं वो कुम्हारों का दीपक नहीं उनको पसंद आता है, वो दीपक भी चाइना से मंगाया जाता है और चाइना से मंगा करके उस दीपक को जलाने का काम करके और वाहवाही लेने का काम करते हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता, इनको भी जो वहां पर दिखाने का काम करते हैं, लेकर के आते हैं, हेलीकॉप्टर से उतारते हैं, अब तो उनको भी विदेशों से लाने का काम कर रहे हैं, यहाँ के राम लक्ष्मण सीता इनको पसंद नहीं आते हैं, बाहर के लोगों को लाते हैं और उनको ला करके अपनी वाहवाही करने का काम करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर आज से वोट लेने का काम करते हैं और धर्म के नाम पे सबसे बड़ा धर्म करने का काम करते हैं। आप जाइए वाराणसी पे, हमने तो वहां से जाने के दर्शन करने के बाद हम तो मथुरा गए, वृंदावन गए, मथुरा वृंदावन करने के दर्शन करने के बाद फिर हम वाराणसी गए, वहां पर भोले शंकर के अंदर दर्शन किए, उसके बाद हम चित्रकूट धाम गए और वहां पर भी दर्शन किए और उसके बाद हम फिर पूरा घूम करके आपके बीच में आए। लेकिन जब हम वाराणसी गए तो वाराणसी में हमने सोचा कि वाराणसी में तो कम से कम बहुत काम हो गया होगा, लेकिन इतना अफसोस हुआ, वाराणसी की हालत जो है इतनी खराब है, इतनी बदतर है कि आप सोचते भी नहीं कर सकते। तो मंदिर में आपको क्या दिखेगा, मंदिर में आप जाते हैं आस्था के साथ में, हजारों वर्षों पुराने मंदिर जहां पर कि भोले शंकर स्वयं रहते हैं और जहां पर लोग कहते हैं कि वहां जाकर के वाराणसी में इसीलिए भोले शंकर के दर्शन करके लोग वहीं पर आखिरी वक्त में रुक जाते हैं जिससे उनको सीधे वैकुंठ धाम मिलता है। लेकिन उस स्थान को भी इन्होंने तोड़फोड़ कर दिया, वहां पर भी विध्वंस फैला दिया, उस मंदिर में उसके इर्द गिर्द में जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां थी इन्होंने उनको हटाने का काम किया। प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को छूना वर्जित है, उनको वहां से हटाना मुर्जित है, आप खाली पूजा कर सकते हैं लेकिन वो हिला डुला नहीं सकते। इन्होंने तो मूर्तियों को पूरा मूर्तियां हटा करके और मंदिर भी तोड़ने का काम कर दिया, चाहे माँ पार्वती की मूर्ति हो और चाहे माँ अन्नपूर्णा देवी जी की हो और चाहे वहां पर गणेश जी की मूर्ति हो, हनुमान जी की मूर्ति हो, ये सारी मूर्तियां जो आसपास में थी उनके उसी घेरे में उन सबको इन्होंने हटा करके वहां के मंदिरों को भी तोड़ दिया। और इतना ही नहीं, वहां पर वट वृक्ष जो था, बरगद का पेड़ जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वास करते हैं, इन्होंने उस वट वृक्ष को भी बुलडोजर लगा करके और उसको उखाड़ करके फेंकने का काम किया। एक कॉरिडोर बनाने के नाम पे कितने मंदिर तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दी, 400 दुकानें तोड़ दी, लोगों को बेरोजगार कर दिया जो सैकड़ों वर्षों से पुश्तैनी काम वहां पर करते थे, आज वो सड़कों में भीख मांगने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
मंदिर के मंदिर तोड़ दिए, कॉरिडोर के रास्ते में बनाते हुए तोड़ते चले गए, और उसमें शिवलिंग जो थे उन जो सैकड़ों की संख्या में निकले उनको मलबे के साथ में इन्होंने गंगा नदी में डालने का काम किया, और जो नहीं फेंक पाए उनको ले जा करके बोरे में बंद करके और लंका थाने में इन्होंने बंद करने का काम किया है। इन्होंने उसको कॉरिडोर को एक मंदिर को अब आस्था का स्थान बदल करके और आस्था की जगह अब उसको एक पर्यटक स्थल बनाने की योजना बन रही है। उसी तरीके से विंध्यवासिनी जी में भी ये पहुंच गए हैं बुलडोजर लेके, माँ विंध्यवासिनी जी के दम दर्शन करने गए मिर्जापुर में, तो वहां पर भी वही मंजर देखने को मिला, वहां पर भी तोड़फोड़ शुरू कर दिए, वहां भी आस पास की सब चीजें तोड़ करके और वहां भी पर्यटक स्थल बनाने का योजना बना रहे हैं। उसका भी जो एक हजारों वर्षों से एक श्रद्धा के साथ में और वहां पूजन पाठन होता है उसको ये खत्म करने की योजना बना रहे हैं। ये चाहते क्या है समझ में नहीं आ रहा। आप वृंदावन जाइए, वृंदावन में देखिए जाकर के, वृंदावन में आपको दिखेगा जिस तरह से वाराणसी में हम लोगों ने जब काम देखने गए तो वही देखने को मिले जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो 80 घाट थे उनको हम लोगों ने ठीक करने का काम किया था, नए घाट बनवाने का काम किया था, वहां 125 करोड़ रुपए खर्च करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम किया था, फ्लाईओवर बनाने का काम किया था, वही दिखेगा। उसके अलावा वहां पर कोई काम नहीं दिखेगा। वृंदावन में जाइए तो वृंदावन में तो इन्होंने जो काम बहुजन समाज पार्टी में पहल मायावती जी की सरकार में हुआ था उसको भी इन्होंने बिगाड़ने का काम किया, उसको भी संवारने का काम नहीं किया। आप वृंदावन जाके देखिए, बहन मायावती जी की सरकार में जो हम लोगों ने जब कार्य किया था 550 करोड़ रुपए लगा करके वहां का समग्र विकास करने का काम किया था। वृंदावन में भी अयोध्या की तरह सीवर लाइन नहीं थी, पानी की लाइन नहीं थी, पूरे वृंदावन में हम लोगों ने सीवर की लाइन डाली और पानी की लाइन डाली। वहां पर भी पंचकोसी जिस तरह से अयोध्या में होता है वहां पर 13 कोसी वहां पर जो यात्रा होती है और उसमें परिक्रमा होती है वहां से लेकर के और गोवर्धन पर्वत तक उसको हम लोगों ने ठीक करने का काम किया, उसको चौड़ा करके सुधारने का काम किया, उसके साथ में फुटपाथ बनाई, कच्ची सड़क बनाई जिससे जो लोग पैदल जाना चाहें कच्चे में जाना चाहें तो कच्चे में जाए, पक्के में जाना चाहें तो पक्के में जाए। वहां पर एक वृद्धाश्रम बनवाने का काम किया, अस्पताल नहीं था तो एक आधुनिक अस्पताल 100 बेड का बनाने का काम किया, बिजली चली जाती थी 2-3 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती थी वहां नया बिजली घर बनाने का काम किया, वहां पर वृद्धाश्रम बनाने का काम किया, वहां पर मथुरा से वृंदावन आने में घंटों लग जाते थे क्योंकि एक नहीं 2-2 रेलवे लाइनें पड़ती थी, हम लोगों ने वहां पर एक फ्लाईओवर बनाया जिससे कि वृंदावन से मथुरा जाना हो या मथुरा से वृंदावन जाना हो तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। हम लोगों ने वहां पर जो एक बस अड्डा था, बस अड्डा ही नहीं था वहां पर, लोगों को कई कई किलोमीटर से उतर के पैदल आना पड़ता था, एक बस अड्डा बनाने का काम किया। और इतना ही नहीं वहां पर एक टैक्स लगता था टोल टैक्स, उसको खत्म करके जो चाहे वो आ सकता है जा सकता है। गोवर्धन में वहां पर 50 साल से लोगों की मांग थी कि इसको मेला घोषित किया जाए, सरकारी मेला घोषित किया जाए, हम लोगों ने उसको सरकारी मेला घोषित करने का काम किया। हमारे और इनमें यही फर्क है, हम लोग जो है ढोल नहीं बजाते हैं धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे हम लोग दान करने का काम करते हैं और ये लोग खाली वोट के लिए नाम लेने का काम करते हैं, नोट लेते हैं और वोट लेते हैं और उसके बाद उनको भूल जाते हैं। आपने देखा कि मिठूर में कानपुर में जहां माँ सीता रही थी जाके वाल्मीकि आश्रम, महर्षि वाल्मीकि आश्रम में कभी भी ये लोग वहां नहीं गए और जाने का नाम भी नहीं लेते, लेकिन हम लोगों ने अपनी सरकार में बिठूर का समग्र विकास किया, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम हो और चाहे सीता जी का मंदिर हो, सीता रसोई हो और चाहे वहाँ का समग्र विकास हो, बिजली व्यवस्था, सड़क व्यवस्था सब करने का काम किया, समग्र विकास करने का काम किया। इनके साथ में तो पता नहीं क्या बात है, ये इन्होंने राम के साथ में कभी भी सीता का नाम नहीं लिया। आप देखते हैं इसको, आप देखेगा आगे चल करके, इनको सुनिएगा कभी, ये कभी राम के साथ में सीता का नाम नहीं लेते हैं। हम लोग तो जब किसी से मिलते हैं, अभिवादन करते हैं, जो भी करते हैं, लोग सीता राम कह करके करते हैं और सीता राम कह करके बात करते हैं और बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन ये खाली राम बोलते हैं, सीता का नाम नहीं लेते हैं।
जैसे इन्होंने वाराणसी में माँ पार्वती जी को अलग कर दिया, अकेले उनको छोड़ दिया, माँ पार्वती को हटा दिया वहां से, इनकी क्या सोच है और क्या कारण है जो ये करते हैं ऐसा, ये कभी समझ में नहीं आया। सिर्फ इतना समझ में आता है कि जब ये भगवान श्री राम का नाम भी लेते हैं तो ये इस तरह से लेते हैं जैसे लगता है कि युद्ध में उतर रहे हो, और इस तरह से ललकार के नाम लेने का काम करते हैं। श्रद्धा से कभी इनको आप नाम लेते हुए नहीं देखते, कभी नहीं सुनेंगे कि श्रद्धापूर्वक ये नाम उनका लें, और इसीलिए सीता का नाम नहीं लेते हैं। जैसे ही सीता राम के पहले जोड़ेंगे तो अपने आप विनम्र होना पड़ेगा, अपने आप झुक करके सीता राम कहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं पसंद करते हैं। ये तो हाथ उठाकर घोष करते हुए जैसे युद्ध की बात कर रहे हो और उस तरीके से जय श्री राम की बात कर रहे हैं, ये इनकी क्या सोच है, क्या क्या इनके मन में चल रहा है, ये समझना बहुत मुश्किल है। ये कौन सा एक ऐसा षड्यंत्र भी रखा जा रहा है जिसमें कि धीरे धीरे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। जितने भी संस्कृत के विद्यालय थे, जितने भी संस्कृत के महाविद्यालय थे, धीरे धीरे उनको रुपया देना बंद कर दिया, और जो सरकारी 1500 महाविद्यालय थे, 500 से ज्यादा महाविद्यालय थे, आज घट करके संस्कृत के आधे गिनती के रह गए, आधी गिनती पर रह गए सरकारी, जो सरकारी नहीं थे जिनको खाली अनुदान मिलता था वो तो पहले ही बंद कराने का काम कर दिया। वो बात दूसरी है कि जब हम लोगों की सरकार थी तो 265 संस्कृत विद्यालयों को बहन मालती जी ने अनुदान देने का काम किया था, क्योंकि सरकारी नहीं थे। इन्होंने वहां पर टीचरों की नियुक्ति बंद कर दी है, कोई टीचर नियुक्त नहीं होता है संस्कृत पढ़ाने के लिए, और इसीलिए एक एक करके जितने संस्कृत विद्यालय बंद हो रहे हैं, जब वहां पर टीचर ही नहीं रह गया, वहां पर खाली ताला चाबी वाला आदमी रह गया है, तो किस बात की वहां पर कैसे कौन विद्यार्थी आएगा पढ़ने के लिए, और जब विद्यार्थी नहीं होगा तो जब विद्यार्थी नहीं पढ़ेंगे तो कौन ये वेदों का ज्ञान देगा आगे चल करके, वेद पढ़ना कौन पढ़ने का काम करेगा। तो ये तो वो लोग हैं जो कि धीरे धीरे पता नहीं किस कार्यक्रम के तहत में षड्यंत्र के रूप से, जिससे हम लोगों को सतर्क होने की जरूरत है, ये धीरे धीरे सनातन धर्म को ही खत्म करना चाहते हैं, इस देश की संस्कृति को ही खत्म करना चाहते हैं। ये इसीलिए आप देखिए जो मठ के लोग हैं जो इस कार्यक्रम में आजकल लग गए हैं, जिन्होंने तय कर लिया कि मंदिरों में कब्जा करना है, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के जो बड़े मंदिर हैं उनका अधिग्रहण शुरू हो गया है, मंदिरों में मठ से लोग भेज दिए गए हैं कि मंदिरों में जो वहाँ ब्राह्मण पुजारी हैं पूजा पाठन करते हैं उनको धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकालो और मंदिरों को अपने कब्जे में लो। ये कौन से पद को मानते हैं ये समझ में नहीं आता। इतना जरूर मालूम है कि ये जनेऊ धारण करना नहीं, जनेऊ धारण नहीं करते हैं, ये तिलक नहीं लगाते हैं, ये छोटी रखना पसंद नहीं करते हैं, और इनके अंदर ये वंचित है, और इसीलिए जो सनातन धर्म है उसके अंदर ये तीनों चीजें अनिवार्य है, और अनिवार्य होने की वजह से ये हम लोगों को जो सनातन धर्म है उसको धीरे धीरे खत्म करने की योजना बना रहे हैं, और इससे हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इनका असली चेहरा समझने की जरूरत है। ये वो लोग हैं जो झूठे वादे करके आपके पास फिर से आएंगे, फिर से आपसे वोट मांगने का काम करेंगे, ठीक उसी प्रकार से जैसे पहले आए थे और कहा था 15 लाख रुपए हर एक के खाते में चले जाएंगे, हमको वोट दे दो अपना खाता खोल के देख लेना 15 लाख रुपए विदेशों से ला करके दे देंगे। आज तक इतने वर्ष हो गए, एक नया पैसा भी किसी के खाते में आया हो तो कोई बताएगा, जब आया ही नहीं तो क्या बताएगा। इसी प्रकार से इन्होंने कहा, नौजवानों से कहा कि आइए, बेरोजगार हैं आप परेशान हो रहे हैं, हम आपको वादा करते हैं कि हम आपको 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, आप लोग PhD की डिग्री लेकर घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग डिग्री और ये डिग्री वो डिग्री लिए हैं, परेशान मत होइए, हमारे साथ खड़े हो जाइए और हम आपको वादा करते हैं कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। क्या किया इन्होंने, 2 करोड़ नौकरी दी इन्होंने, इन्होंने तो नौकरियां लेने का काम किया, इन्होंने एक भी नौकरी दी हो तो आकर के बताने का काम करें, इन्होंने तो जितनी सरकारी नौकरियां थी उस पर इन्होंने रोक लगा दी है कि अब आगे नहीं भरी जाएंगी, और जितने भी सरकारी उपक्रम थे जहां पर नौकरियां लोगों को मिलती थी, पूरे देश की धरोहर थी, जो आपकी धरोहर है,
जो पिछले 70 वर्षों में आपने बनाने का काम किया अपने टैक्स दे दे करके, चाहे वो जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हो, चाहे ONGC हो, ऑयल इंडिया हो, गैस अथॉरिटी हो, रेलवे हो, तो रेलवे को भी प्राइवेट कर दिया, हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी HAL हो, और चाहे एयर इंडिया हो, और चाहे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, और तो जितने सरकारी बैंक हैं उनको भी निजी हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं, और एक एक करके इनके हाथों में बेच करके ये अपने उन्हीं उद्योगपतियों के चुनिंदा उद्योगपतियों को देने का काम कर रहे हैं, जिनसे ये हजारों करोड़ रुपया अपने चुनाव के लिए लेने का काम करते हैं, और इस वजह से लोगों की नौकरियां मिलना तो दूर रहा, लगभग 2 करोड़ नौकरियां लोगों की जो मिल पहले चल रही थी वो भी खत्म होने का काम किया। किस तरीके से बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है सबने देखने का काम किया, किस देख रहे हैं सभी लोग देख रहे हैं, किस तरीके से आप देखिए उत्तर प्रदेश में लोग आज मजबूर हो जाते हैं दूसरे प्रदेशों में पलायन करने के लिए, छोटी छोटी नौकरियां करने के लिए, और वहां पर अपने रोटी रोजी चलाने के लिए, और वहां पर उनके साथ में कैसा दुर्व्यवहार होता है ये भी सबने देखा है, और जब कोरोना के दौरान किस तरह से छीछारेदर हुई, कैसे उनको वहां से भाग के आना पड़ा और कितनी उनकी दुर्दशा हुई ये सबने देखा। और इन नौजवान लोगों ने जब उनसे पूछने का काम किया, पूछा, उन्होंने घेरने का काम किया कि आपने हमसे तो वादा किया था कहां नहीं हमारी 2 करोड़ नौकरियां, तो इनको लाठियां से मारने का काम किया, और इतना ही नहीं उन्होंने उनसे कहा कि हम आपको नौकरी तो नहीं दे सकते लेकिन आप अपना रोजगार चला सकते हैं। उन्होंने पूछा कौन सा रोजगार चला सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप पकौड़े बेचिए। पार्लियामेंट के अंदर कहा कि आप इनसे, हमने उनसे सवाल किया था उनके मंत्री से, हमसे जवाब में कहा इनसे कहिए कि जाकर के पकौड़े बेचें, और ये लोग तो बहुत अच्छी चाट और पकौड़ा बेच सकते हैं, बेचने का काम कर रहे हैं। तो पकौड़ा बेचना, चाट का ठेला लगाना और ये सारी चीज़ें, इसको बहुजन समाज पार्टी कोई बुरा नहीं मानती, तो बहुजन समाज पार्टी तो गरीबों की पार्टी है, गरीबों के लिए ही लड़ती है, 24 घंटे उन्हीं के बारे में सोचती है, लेकिन आपको धोखा नहीं देना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को धोखा दे करके आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि आप हमारे साथ में आओ, आप वोट देने का काम करो तो हम आपको नौकरी देने का काम करेंगे। इन्होंने वही किया। इन्होंने महिलाओं से क्या कहा, महिलाओं से कहा कि आप हमारे साथ में आओ, हम आपको मुफ्त गैस सिलेंडर देते रहेंगे, और उसके बाद क्या हुआ, एक बार दे दिया, दो बार दे दिया, मुफ्त तो नहीं दिया, सब्सिडी करके दिया, और धीरे धीरे उसी का दाम बढ़ाते गए, परसों फिर 25 रुपए पड़े, इस वर्ष 2020 में अभी 8 महीने हुए हैं और लगभग 200 रुपए बढ़ गए, और 900 और 1000 रुपए पहुंचने का काम हो रहा है उस गैस सिलेंडर का, जो आज धीरे धीरे 200 रुपए से और इन्होंने 900 और 1000 पहुंचाने का काम कर दिया। इन्होंने कहा महिलाओं से कि हम सुरक्षा देने का काम करेंगे, हम आपकी सुरक्षा रखेंगे। कौन सी सुरक्षा दे रहे हैं, किस तरह की सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए, इन्हीं के आंकड़े उठा कर देखिए, सरकारी आंकड़े, हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, उसके साथ में बलात्कार हो रहा है, आज ये सुरक्षा नहीं है। बहन मायावती जी की सरकार याद करिए, जब बहन मायावती जी की सरकार थी तो तब देखिए महिला, किसी महिला या लड़की को भी अगर घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ती थी वो सोचती विचारती नहीं थी, आधी रात में भी निकल जाती थी, क्योंकि उसको ये डर नहीं था कि कोई उसकी तरफ बुरी निगाह उठा करके देखेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये मालूम था कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी, जिनके राज्य में कानून द्वारा कानून का राज्य चलता है, उन्होंने अपने खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया था, आपके पड़ोस के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, सरकार बने हुए सिर्फ 15 दिन हुए थे, गरीबों की झोपड़ियों के ऊपर उन्होंने बुलडोजर चला दिया था, ये सोचते हुए कि अब तो हमारी सरकार आ गई, चलो कब्जा कर लेते हैं। बहन मायावती जी ने उनको घर पर बुलाया था लखनऊ में, और अपने निवास पर बुला करके, मैं भी उसे मौजूद था वहाँ, मेरे सामने उन्होंने उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हथकड़ी लगा करके और वहीं से जेल भेजने का काम किया था, और पूरे 5 साल तक जेल में रखने का काम किया। वो किसी के सामने भेदभाव नहीं करती थी, वो ये नहीं देखती थी कि हमारी पार्टी का है,
और ये दूसरी पार्टी का है, वो चाहे अपनी पार्टी का हो चाहे दूसरी पार्टी का हो, अगर वो अपराधी है तो उनकी निगाह में वो अपराधी है। उसकी जगह एक ही जगह होती थी, जेल की सलाखों के पीछे और इसके अलावा नहीं। लेकिन आज किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरे तरफ चारों तरफ एक नहीं दो नहीं हर रोज हत्याएं हो रही, रोजाना हत्याओं का सिलसिला लग गया है। और इन्होंने खाली झूठ का वादा सुरक्षा के नाम पे नहीं, इन्होंने किसानों से भी झूठ बोला। किसानों से कहा कि आप हमारे साथ में आ जाइए, हम आपकी आमदनी दोगुना कर देंगे। और क्या किया इन्होंने, दो गुना तो नहीं की, उनकी आमदनी शून्य पहुंचाने का काम किया। और शून्य ही नहीं पहुंचाया, इनके उद्योगपतों की निगाह उस जंग की जमीनों पर भी लग गई। उनको लगा कि हमको हमने पूरा देश तो खरीद लिया, अब सब चीज हमारे हाथ में आ गई है। लेकिन उन्होंने इनसे कहा कि हमें अपनी जमीन नहीं मिली है, हमें जमीन चाहिए। और फिर इसीलिए इन्होंने देखिए जो तीन काले कानून बनाए हैं किसानों के लिए, जिसके लिए किसान पिछले 1.5 वर्ष से आंदोलित है, हम लोग भी उनके साथ आंदोलन में शामिल हैं, पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंट के बाहर तक, और जिसकी वजह से 500 से ज्यादा किसानों की जान चली गई है। इनको कोई असर नहीं है क्योंकि इन्होंने उन उद्योगपतियों से भारी रकम ले ली है अपनी पार्टी के लिए, और इसीलिए उस कानून को वापस नहीं कर सकते। उस कानून के तहत पे किसान को मजबूरन पट्टा देना पड़ेगा, और किसको पट्टा देंगे, उद्योगपतियों को पट्टा देना पड़ेगा। और पट्टा देने के बाद 1 साल फसल का पैसा मिलेगा, 2 साल फसल का पैसा मिलेगा, तीसरे साल क्या करेंगे, कहेंगे कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया और आपकी बार अनाज ठीक नहीं आया क्योंकि पिराई ठीक से नहीं की, इसका बीज अच्छा नहीं था, और उसके बाद पैसा देना बंद हो जाएगा। लेकिन उसकी जमीन तो उसके हाथ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी, और उसके बाद वो मुकदमे लड़ता रहेगा, वो कचहरी कोर्ट कचहरी करता रहेगा, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा, लेकिन उसकी जमीन वापस नहीं आई होगी। इसीलिए आपने देखा कि आज भी वो आंदोलन रहता है और इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। 2 दिन पहले आपने अखबार पढ़े होंगे, जिन्होंने टेलीविजन में न्यूज देखी हो उन्होंने भी देखा होगा किस तरीके से हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में जिस तरह का निर्देश दिया गया, कहा गया कि ये जो किसान हैं अगर ये आंदोलन से नहीं हटते हैं और आंदोलन करने का काम करते हैं तो इनके सर फोड़ देना चाहिए, और सर फोड़े बगैर ये वापस नहीं जाना चाहिए। और इन्होंने सर फोड़वाने का काम किया, और उसके बाद जिस अधिकारी ने ये निर्देश दिया उसके पीठ थपथपाने का काम मुख्यमंत्री ने करने का काम किया। एक व्यक्ति तो मर गया उसी समय, कितने लोग घायल पड़े हैं, लेकिन किसान उसने भी तय कर लिया है कि हम हटने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम डट करके रहेंगे क्योंकि हमारे जीवन और मरण का सवाल, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बहन मायावती जी की सरकार देखिए और इनकी सरकार देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 2003 से और 2007 के बीच की याद करिए, और 2012 से 2017 की याद करिए। जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब आती है तो उसके आते ही पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज, डकैती, फिरौती, लूटपाट, बलात्कार, दंगा फसाद, हर चीज शुरू हो जाती है। और यही सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और एक दो नहीं सैकड़ों सैकड़ों ब्राह्मण समाज के लोग और दलित समाज के लोगों को इन्होंने खाली प्रताड़ित भी करने का काम नहीं किया, हत्याएं भी हो गई और उनको गोलियों से भी मारने का काम किया गया। एक दो शूटआउट हो, एक दो एनकाउंटर हो तो आपको उनके किस्से बताए जाए, नाम बताए जाए, वहां तो पन्नों पन्नों में लिस्ट भरी हुई है जिसमें ये कार्यक्रम इनके हुए हैं। और इन्होंने तो आते ही बताने का काम किया था कि हम इसी तरह से काम करने का काम करें जैसे समाजवादी पार्टी ने किया था। समाजवादी पार्टी की एक परछाई की तरह चल रहे, जो जो उन्होंने किया वही वही ये करने का काम कर रहे हैं।
दलितों के साथ कितना उत्पीड़न हो रहा है। आपने देखा झोपड़ियां उठा दी जाती हैं, घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, चुनाव में चुनाव के दौरान में महिला के साथ में चीट हर हो जाता है और वहां पर खड़े हुए अधिकारी देखते रहते हैं। इस तरह का आज कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की चल रही है। किस तरीके से आपने एक व्यक्ति को तो मारा कि उसने लोगों को मार दिया था, लेकिन कानपुर के विक्रू कांड में उस खुशी दुबे का क्या दोष था? वो तो 16.5 साल की लड़की नाबालिग थी, नाबालिग लड़की 16.5 साल की, उसका एक दिन पहले विवाह हो जाता, आप उसको उठा ले जाते और उसके बाद पहले तो जेल में बंद कर देते। सबसे बड़ा घृणित काम वो ये करते हैं कि आपको मालूम होते हुए कि नाबालिग है, आपने उसको व्यस्त जेल में बंद कर दिया लोगों के साथ में। और 3 महीने बाद जब जुवेनाइल कोर्ट ने कहा कि ये जो 16.5 साल की लड़की है, तो आपने उसको रिमांड होम में ले लिया। 12 बंकी 47 लड़कियां वहां बंद थी, उनके साथ में उसको भी बंद कर दिया और उसके बाद उसके पति को तो गोलियों से मार दिया आपने। उसके जितने भी घर जो महिलाएं दो और उठा के ले गए घर से, उनके भी पतियों को मार दिया, लेकिन उसको बेल ना होने पाए खुशी दुबे को, इसलिए आपने पूरी ताकत लगा दी और उसके लिए चाहे जालसाजी करनी पड़ी वो भी करने का काम किया। बाहर ना निकलने पाए, उसकी बेल ना होने पाए, इसलिए मुखिया का निर्देश जाता है वहां पर 12 बंकी में और अधिकारियों को कि ये देख लो, सुनिश्चित कर लो कि इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। बेल तो हो ही जानी थी, नाबालिग थी, उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, किसी ने उसको कोई जुर्म करते हुए देखा नहीं, घर के अंदर अगर थी तो क्या वो कातिल हो गई? और लेकिन उसके ऊपर इतनी दफाएं लगा दी गई थी जिससे कि वो जीवन भर जेल के अंदर सौंपी जाए। वहां पर सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया बेल को विरोध करने के लिए, और इस सर्टिफिकेट में वहां की अधीक्षिका से लिखाया गया, उसने लिखा कि खुशी दुबे जो पहले खुशी तिवारी थी, खुशी दुबे के साथ की लड़कियां जो वहां बंद हैं, वो कह रही हैं कि खुशी दुबे ने ये कहा है कि अगर हमारी बेल हो गई और अगर हम बाहर निकल गए जेल से, तो हम तो इतने बड़े दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे कि पूरा उत्तर प्रदेश हमारे नाम से थर थर कांपेगा। और ये कहकर के सर्टिफिकेट लगा के अदालत में उसकी बेल खारिज करा दी। महिला जो घर में काम कर रही थी, उसको तो उठा करके ले गए, पतियों को तो मारी दिया आपने, लेकिन एक महिला जो काम करने वाली थी उसके 3 साल के लड़के को भी ले गए और 6 साल की लड़की को भी जेल के अंदर ले गए और कहते हैं कि इनके ऊपर मुकदमा न चलने देना वरना तो बरी हो जाएंगे सब के सब, बाहर आ जाएंगे, इनको उसी में सड़ने दो और इनके बच्चों को वहीं पर व्यस्त हो जाने दो, तभी तो इनको सबक मिलेगा। एक नहीं 50-50 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को इन्होंने उस मामले को घेरा बना करके और कानपुर के इर्द गिर्द जितने मजबूत किस्म के थे उनको इन्होंने जेल के पीछे बंद करने का काम किया। उन्होंने कहीं वहां पर थे भी नहीं, मौजूद भी नहीं, हरियाणा से उठा रहे 17.5 साल के लड़के को और ला करके इटावा के पास उसकी गाड़ी भी पलटती है और उसको भी गोलियों से उड़ा दिया जाता है। आधा दर्जन से आधा लोगों को मार दिया आपने, कितने लोगों को लखनऊ से उठा ले गए, माँ बाप की देखभाल करने के लिए आया था वहां पर राकेश पांडे नाम का व्यक्ति करोना में, उसको घर से उठा ले गए और ले जाकर के कंटेनमेंट में लखनऊ के उसको एनकाउंटर करके मारने का काम किया। मेरे तिवारी अपनी गाड़ी से घर अपने काम करके दफ्तर से लखनऊ में घर जा रहा था, गाड़ी रोकी, नाम पूछा, जैसे ही बताया विनय तिवारी, गोली मार दी तो मर गया। तो इस तरह का आतंक, इस तरह की दहशत पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाने का काम किया है। आप लोगों ने हाथरस का भी कांड देखा, बलिया का भी देखा, किस तरह से दलित महिलाओं के साथ में उन्होंने कृत्य काम करने का किया, किस तरीके से हाथरस में जो लड़की थी उस लड़की के साथ पहले रेप होता है, उसका बलात्कार होता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसके बाद क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसका मृत्यु शरीर भी घर वालों को नहीं दिया, मानती नहीं, चीखती नहीं उनकी माँ बाप बहन सब लोग कि हमको शरीर दिखा देने दो, लेकिन नहीं, मुखिया का आदेश था कि इसका शरीर इनको नहीं मिलना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को खुद खड़ा कर दिया उठा करके और खड़े होकर के वहीं पर खड़ा रहा और खड़े उन्होंने निर्देश दिया अपने सामने देखना कि इसका अंतिम संस्कार वो लोग करने ना पाए। और फिर क्या हुआ, सबने देखा, कितना शर्म की बात हुई,
कि उस लड़की के साथ में उसके माँ बाप चीखते रहे कि शक्ल तो दिखा दो, शक्ल भी नहीं देख रही थी, और उसको ले जा करके वहां पर खेतों में मिट्टी का तेल डाल करके और रात के 2:30 बजे इन्होंने जलाने का घृणित काम किया, जिससे हम लोगों का सर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में भी झुकने का काम हुआ। पूरी दुनिया में इसको दिखाया गया, टेलीविजन में भी दिखाया गया, बाहर भी विदेशों की मैगजीन में भी छपा और कहा गया एक ऐसा प्रदेश है इस देश में जो उत्तर प्रदेश कहलाता है, और वहां पर ऐसा प्रदेश है जहां एक लड़की के साथ में इस तरह का व्यवहार हो सकता है, वो एक ऐसा प्रदेश। बहन मायावती का शासन काल याद करिए, किस तरीके से उन्होंने सर्व समाज की सरकार बनाई, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो उनका नारा था उसको लेकर के आगे चलने का काम किया। उन्होंने किसी को भी पीछे छोड़ने का काम नहीं किया। कोई ऐसा समाज का नाम नहीं आप ले सकते जिसको जब पूर्व मोहम्मद की सरकार बनी है तो बहन मायावती जी ने उनको उचित स्थान देने का काम न किया हो, चाहे वो मंत्रीगण हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो संतरी हो और चाहे कोई भी हो, उन्होंने सर्व समाज को अपनी नीत के तहत करने का काम किया। ब्राह्मण समाज उनके साथ में एकजुट हुआ था, एक साथ एकजुट होकर के जैसे इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो रहा है, एक साथ हो गया है और हर जिले में जहां भी हम जा रहे हैं एक साथ एकजुट होके और वो हमारे साथ में और बहन मायावती जी के साथ में खड़ा। उस समय भी हम पूरे उत्तर प्रदेश में गए थे और पूरे समाज के लोग हमारे साथ में खड़े हुए थे, बहन मायावती जी के साथ में खड़े हुए थे। 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों ने 9 जून 2005 को बहन मायावती जी का स्वागत करने का काम किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मैदान में, हमारी आखिरी सभा थी और उसमें 11,000 लोगों ने शंखनाद करके बहन मायावती जी का स्वागत करने का काम किया था, और उसके बाद जब उन्होंने उनको गणेश जी की प्रतिमा दी थी तो हाथ में लेकर के और माइक में जो उन्होंने पहले शब्द बोले थे उनके यही थे, हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु है। और उसके बाद उन्होंने सूफी ब्राह्मण समाज ने भाईचारा बनाया, एक साथ हुए, एकजुट हुए, अपनी ताकत दिखाने का काम किया। 16% ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश में, एक जो नहीं है 3 करोड़ के ऊपर ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन उनकी क्या दशा उस समय हो गई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी ठीक उसी प्रकार से जैसे आजकल है, लेकिन उस समय ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ बहन मायावती जी के साथ में भाईचारा बना के, और भाईचारा किसके साथ में बनाया उन्होंने, सबसे पहले दलित समाज के जो हमारे भाई बहन जो 23% हैं उनके साथ, जिनके साथ में अन्य समाज के लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं, और चाहे वो बैकवर्ड समाज के लोग हों, अपर कास्ट के अन्य समाज के लोग हों, और चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, वो सब लोग अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, वो पहले से जिनके साथ में जुड़े थे उनके साथ में भाईचारा बनाया, और उसके बाद पूर्व मोहम्मद सरकार बना करके दिखाने का काम किया। इसमें ब्राह्मण समाज के लोगों ने बहुत बढ़ के योगदान करने का काम किया, लेकिन बहन मायावती जी ने भी जान सर्व समाज को देने का काम किया, उन्होंने ब्राह्मण समाज को पीछे नहीं छोड़ा, उन्होंने 15-15 मंत्रालय, महत्वपूर्ण मंत्रालय, नकुल दुबे भी उनमें से जिनको 7-7 महत्वपूर्ण मंत्रालय देने का काम किया था, 15-15 मंत्री उन्होंने ब्राह्मण समाज के बनाने का काम किया, बाप 1 दर्जन से ज्यादा उन्होंने ब्राह्मण समाज के एजेंसी बनाने का काम किया, जिसमें कि डॉक्टर ओपी त्रिपाठी जी भी आपके सामने हैं, और इसी प्रकार से उन्होंने विधान परिषद के अध्यक्ष को भी ब्राह्मण समाज के बनाने का काम किया, 0.25 दर्जन से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को लोकसभा में भेजने का काम किया, वहां पर उपनेता ब्राह्मण समाज का बनाया, उन्होंने हमको राज्यसभा में पिछले 17 वर्षों से अपना पार्टी का नेता बना के रखा हुआ है, और लोकसभा में भी इस समय ब्राह्मण समाज के रितेश पांडे को उन्होंने पार्टी का नेता बना के रखा हुआ है। 5,000 से ज्यादा सरकारी वकील, महाधिवक्ता से लेकर अतिरिक्त महाधिवक्ता से लेकर के नीचे तक उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को सरकारी वकील बनाने का काम किया था, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उच्च न्यायालय लखनऊ और जितने भी जिला की अदालतें थी उसमें सरकारी वकील बना करके उनका मानदेय बढ़ाते हुए और बहन मायावती जी ने देने का काम किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश का, उन्होंने ब्राह्मण समाज का जो खोया हुआ मान सम्मान था और स्वाभिमान था उसको उन्होंने लौटाने का जो वादा किया था कि आप भाईचारा बना रहे हो, हमारे साथ में आ रहे हो तो ये मेरी जिम्मेदारी है, उसको उन्होंने पूरी तरह से निभाने का काम किया और जितना सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा बढ़ाने का काम। उन्होंने उत्तर प्रदेश का समग्र विकास करने का काम किया, उन्होंने कोई एक जगह काम नहीं किया,
जो हमने आपको स्थान बताया खाली उनको ही नहीं किया था उन्होंने, जो आस्था के स्थान है उसके अलावा उन्होंने 29,500 गांव, जो ग्राम सभाएं हैं जो कि डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से हैं, उनका समग्र विकास करने का काम उत्तर प्रदेश में किया। उन्होंने 29,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल नए बनाने का काम किया, 5,000 जूनियर हाई स्कूल, 5,000 हाई स्कूल बनाने का काम किया नए। उन्होंने 23 जिले बनाने का काम किया उत्तर प्रदेश में, और जब नया जिला बनता है तो उसका समग्र विकास होता है, वो बहन मायती जी ने करने का काम किया, और उनका जिससे कि आगे उनकी तरक्की हो सके उस स्थानों की, उन्होंने उनको नए जिलों में बनाने का काम किया। उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज बनाए, और उन्होंने साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी भी बनाने का काम किया, और उसमें तो एक यूनिवर्सिटी उन्होंने लखनऊ में ऐसी बनाई जो विश्व में अपने आप की अकेली यूनिवर्सिटी है, और वो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से, जहाँ विकलांगजनों के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, जहाँ की लड़की ने अभी 4 दिन पहले, पढ़ी हुई लड़की ने जो बिल्कुल नहीं देख सकती है, टोटली ब्लाइंड है, पूरी तरह से दृष्टिबाधित है, उसने अभी आपने देखा कि जो अमिताभ बच्चन का शो चलता है सोनी टीवी में, उसमें उसने कौन ब्लाइंड करोड़पति में, वहीं की लड़की ने वहां से 1 करोड़ रुपया जीतने का काम किया, और उसने कहा कि ये देन इस यूनिवर्सिटी की है जो हमारे लिए वरदान की तरह से हमारे लिए बनी, और हमको उसका फायदा मिलने का काम किया। इसका श्रेय किसको जाता है? बहन मायावती जी को जाता है, जिन्होंने 175 एकड़ में इस यूनिवर्सिटी को बनाने का काम किया। बहन मायावती जी ने जहाँ उत्तर प्रदेश में बाकी सब विकास किया, बिजली की व्यवस्था को भी सुधारने का काम बहन मायावती जी ने किया। 6,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता था, उसको बढ़ा करके उन्होंने 13,500 मेगावाट पहुंचाने का काम किया, नए कारखाने लगा करके बनाने, एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो बनाया, नोएडा को उन्होंने विदेशों से भी ज़्यादा अच्छा शहर बनाया, लखनऊ आप जाते हैं आप देखते हैं कि किस तरह की तरक्की उन्होंने करके दिखाने का काम किया, वो सब बहन मायावती जी के द्वारा। इनकी सरकार में या समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी आपको चीज़ नहीं मिलेगी कि कौन सी चीज़ की तरफ ये निगाह उठा करके दिखाएंगे, उंगली उठा करके दिखाएंगे कि ये काम हमने भी किया है। ये कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ अपने दिखावे का काम करते हैं। ये अपने ऊपर विज्ञापन में 300 करोड़ रुपया हर माह खर्च करते हैं, जिसके जो RBI की सूचना के तहत निकल के आई ये सूचना, 300 करोड़ हर महीने अपना विज्ञापन दिखाते हैं, जो आप जोर पार उठाइए पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक एक झूठा विज्ञापन होता है, झूठ से भरा विज्ञापन होता है, तरह तरह के झूठे बातें उसमें लिखी होती हैं, और उसमें 300 करोड़ रुपए गवा दिए जाते हैं। अगर यही 300 करोड़ रुपए ये पढ़ाई में लगा दें, बच्चों के लिए स्कूल में लगा दें, और जो टीचर इनको पढ़ाते हैं जिनको ये तनख्वाह नहीं देते हैं, तो शायद इस प्रदेश का एक विकास होने का काम हो। आपको मालूम है कि 20 लाख से ज़्यादा वित्तहीन शिक्षक हैं, और उनके और जो एम्प्लॉय हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उनको पहले समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया, उनसे कहा कि आप हमारे साथ में आइए, और वो सब के सब उनके साथ में लग गए, और उनको उन्होंने झुंझुना भी नहीं पकड़ाया, कहा था कि हम आपको सम्मानजनक मान ले देंगे, आपकी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। हर जिले में सैकड़ों की संख्या में वित्तहीन विद्यालय हैं, और सैकड़ों की संख्या में टीचर हैं और एम्प्लॉय हैं जो कि मारे मारे फिर रहे हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने भी यही कहा, आपको उन्होंने धोखा दिया, आप हमारे साथ में आ जाइए, ये सब सोच करके अन्य उनके वालों की तरह इनको सही मानते हुए इनके पीछे लग गए, और इनको जिताने का काम किया। और उसके बाद क्या हुआ, 5 साल होने को आ रहे हैं, ये जब आंदोलन इन्होंने किया है पिछले साल, तो उनको क्या मिला, लाठी डंडे और पानी की बौछारें, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, और एक महिला ने जब अपना सर उड़ाते हुए विधानसभा के सामने अपना सर उड़ाया, तो उसने कहा मीडिया से कि ये सर उड़ा रहे हैं, हमको सांकेतिक रूप से इनका हम इस सरकार का क्रियाकर्म करने का काम कर रहे हैं, इनकी हम दोष्टि करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने उसके जवाब में क्या कहा, मुख्यमंत्री जी कितने नाराज हो गए, उसके बाद बोले, कहते हैं कि ये जो टीचर लोग हैं जो अपने आप को गुरु कहते हैं, ये लोग जो हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले जन्म में बड़े कुकर्म किए हैं, ये कुकर्मी लोग हैं, और इसीलिए इन्होंने पाप किए थे पिछले जन्म में,
और इसीलिए ये अध्यापक बने हैं और इसीलिए इनकी ये दशा हो रही है, इनकी तो भी और दुर्दशा होगी, इनको भी आगे देखना पड़ेगा। इस तरह की सोच रखते हैं लोग, और उसी की जगह बहन मायावती जी के पास जब हम इन लोगों को लेकर के गए, इनके पूरे प्रदेश के जो लोग थे वो फिर लोग उनको लेकर के उनके पास गए, उनकी समस्या उनके सामने रखी पिछले महीने, तो उन्होंने गंभीरता पूर्वक इनकी जब सारी बातें सुनी, तो उसी समय उन्होंने ये कहने का काम किया, वो तो खुद भी अध्यापिका रह चुकी हैं, वकालत की उन्होंने एडवोकेट की हैं, अध्यापिका भी रह चुकी हैं, तो उन्होंने उसी समय कहा कि हमें इनका दर्द मालूम है, हमें मालूम है क्या परेशानी इनको हो रही है, और इतना अफसोस है कि इनको इस तरह से धक्के खाने पड़ रहे हैं, अब की बात हमारी सरकार आने दो और हम 3 महीने के अंदर इनका ये सारी समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी। और सब जानते हैं कि बहन माँ जी जैसे कहती हैं तो वो करके दिखाती हैं, इसको प्रेस में भी देने का काम किया, प्रेस नोट भी जारी किया। इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि इनका असली चेहरा पहचानिए, इनका मुखौटा मत देखिए, ये अभी फिर से आपके बीच में आएंगे, आग हमने फिर लुभाने वादे करेंगे, झूठे वादे करेंगे, धर्म के नाम पे, देश के नाम पे तरह तरह की बातें आपसे करके आपसे पैसा भी ले जाएंगे, आपसे वोट भी हटने का काम करेंगे, वोट भी मांगेंगे और उसके बाद आपको ठोकने का भी काम करेंगे, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हमारी नीति है रोको और ठोको, तो इस तरह से ये आपसे पैसा लेकर के वोट लेकर के और आपको ठोकने का काम। खाली हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम आपसे बात करें और आपसे कह करके आपकी हमारी बात सुने और आप चलते हैं, इन बातों को आपने जो सुना है इन बातों को ध्यान में रखिए और ध्यान में रख करके इन बातों को यहीं पर छोड़ के मत चले जाइएगा, इसको अपने साथ में ले जाइए, अपने लोगों से बीच में बात करिए, अपने रिश्तेदारों नातेदारों और अपने गांव गांव जा करके अपने परिजनों के बीच में और जो और लोग भी हैं उनके घर घर जा करके इन बातों को पहुंचाते हुए इनका असली चेहरा दिखाने का काम करिए और इनका ये झूठा मुखौटा उखाड़ करके फेंकने का काम करिए। और इस बात का संकल्प लीजिए, जो संकल्प हम आपके साथ में लेने का काम करेंगे हमारे साथ में आप भी संकल्प दीजिए, उन लोगों से भी संकल्प कराइएगा कि अगर उत्तर प्रदेश में अपनी जान माल को बचाना चाहते हैं, अपना खुशहाल जीवन बताना चाहते हैं, अपने बच्चों की खुशहाली चाहते हैं और आगे अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं, इस प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर ये संकल्प लें कि आने वाले अगले वर्ष में जो चुनाव हो रहा है 2022 में हम लोग गांधी का निशान दे करके और उसमें अपनी मोहर लगाने का काम करेंगे। जिस तरीके से दलित समाज के लोग आपने देखा होगा कि उनको जितने भी ये सुहाने और जितने भी धमकाने और जितनी भी तरह की कोशिशें कर लें, ये लोग कभी तस से मस नहीं होते हैं, ये बहन मायावती जी के पीछे एक चट्टान की तरह खड़े रहते हैं और सिर्फ बहन मायावती जी को ध्यान में रखते हुए गांधी के निशान पर मोहर लगाते हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि कौन चुनाव के मैदान में है और कौन नहीं है और उसके बाद उनको जिताने का काम करते हैं। इसी बात का आप भी संकल्प लीजिए और संकल्प लेकर के लोगों को जिताने का काम करिए और ये तय कर लीजिए कि अगली बार आने वाले वर्ष में हम लोग बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और उसके पहले रुकने का काम नहीं करेंगे। अगर आप हमारे साथ में हमसे सहमत हैं, हमारी बातों से सहमत हैं, तो एक बार इस संकल्प के साथ में हमको भी इशारा कर दीजिए, अपने दोनों हाथ उठा करके आप बताने का काम करिए अगर आप हमारे साथ में हैं। और जिस तरीके से आपने हाथ उठा करके हमको अपना समर्थन देने का काम किया है, उससे हमारा हौसला 4 गुना बढ़ गया है। और ये भी याद रखिएगा कि आप बस्ती एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग डरते और डरते नहीं, और यहाँ पर निर्णय लोगों की बस्ती है, ये बस्ती जो है आम लोगों की नहीं है, ये निडर लोगों की बस्ती है और जो लोग किसी के दबाव में नहीं आते, किसी के उसमें नहीं आते, चाहे उनके ऊपर जितना हमले हो और जितना भी हमलावर हो, आपके बीच में आपको याद होगा इसी बस्ती का, इसी बस्ती में कबीर जो है एक हम लोगों के बीच में एक नौजवान साथी श्री कबीर तिवारी नाम का एक नौजवान युवा और वो सबके साथ में सब जन के साथ में
किसी कभी तिवारी के साथ में हम नहीं थे, हर व्यक्ति उसके साथ में था और वो सबके साथ सुझानूपन के साथ में रहता था और उनके साथ में झोंगे झोंगे का काम करता था, उनके अधिकारों के लिए लड़ता था और उसके उसको उसकी हत्या हो जाती, कितनी क्रूर तरीके से उसकी दिन दहाड़े हत्या और सड़क में कर दी जाती है, लेकिन उसके साथ में कोई न्याय नहीं था। जबकि वो छात्र संघ का अध्यक्ष था, रह चुका है और ये भारतीय जनता पार्टी है, जब इसका चेहरा खोलने का काम करेंगे पर्द दर पर्द, तो आपको कबीर तिवारी को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि कबीर तिवारी तो एबीवीपी से जा करके और छात्र संघ पर पहुंचे थे और आरएसएस में भी काम किया था और उसके बाद भी उनके परिवार वालों को आज उसके भाई हो चाहे बहन हो वो लोग चारों तरफ घूमते फिर रहे हैं और उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। वो एक खाली उनकी मांग है कि आप जो है इसमें SIT बैठा दीजिए, आप इसमें एक इस तरह की इंक्वायरी करिए जो कि जिससे कि जो सही चीज है वो सामने आ सके, लेकिन उसकी उनकी इस बात को भी नहीं माना जा रहा है और एक दूसरी तरह की इंक्वायरी बैठा दी। यहाँ के सांसद, यहाँ के जो और लोग थे भारतीय जनता पार्टी के जो उससे पहले काम लेते थे और जो जिनके लिए वो उठते 24 घंटे रोने भिड़ने के लिए भी तैयार रहते थे कभी तिवारी, उन्होंने उसका सबका उसका साथ उसके जाने के बाद उसका भी उसके परिवार का साथ छोड़ने का काम किया और कोई भी उसके साथ में परिवार के साथ में नहीं खड़ा हुआ। हमारे साथी लोग जब आंदोलन चल रहा था यहाँ पर तो नकुल दुबे और बाकी लोग उनके परिवार वालों के पास आए थे, खड़े हुए थे, लेकिन आज वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि उनको अकेले लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो धोखा देने का काम किया है और उनके परिवार वाले लोग जो आज घर घर भटक रहे हैं परेशान हो रहे हैं, उनको परेशान होने की अब जरूरत नहीं है, ये भूल जाए, उम्मीद भी छोड़ दें कि उनको भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद कोई उनको न्याय मिलने वाला है। ये वो पार्टी है जो कि इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करने के बाद अगर अपने ही लोगों को छोड़ना पड़े तो एक सेकंड नहीं लेती है और उनको छोड़ करके पीछे चल मुड़ के भी नहीं देखती है। ये उनमें से ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए मैं उन लोगों के परिवार वालों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग चिंतित जरूर हैं, आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप 6 महीने का और इंतजार करिए। 6 महीने में अभी सरकार बहन मायावती जी की बनने जा रही है और जब ये बहन मायावती जी की सरकार बनेगी तो जितने भी दोषी उसमें हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा और उनको उनको सही जगह लगाने पहुंचाने का काम किया जाएगा और इनके परिवार को इनको न्याय मिलेगा, उनके जो बुजुर्ग पिता हैं उनको भी न्याय दिलाने के काम हम लोग करेंगे, हमारी सरकार करने का काम करेगी। इसी के साथ मैं आपसे पुनः इस अनुरोध के साथ में कि आप लोग अपनी बार अपनी कमर कस लीजिए और ज़्यादा समय नहीं बचा, सिर्फ 3 महीने बचे, 3 महीने के बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी और आपको चुनाव के मैदान में आना पड़ेगा और उसके बाद आपको अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। इसलिए दिन रात सोचने का काम करिए, आप अपने आप को चुनाव के मैदान में मानिए, आप ये मत सोचिए कि आप जो है आप ये हम नहीं लड़ रहे हैं कोई और लड़ रहा है, श्री राजकिशोर जी लड़ रहे हैं या राजकिशोर जी ने जो जिम्मेदारी ले ली है 500 विधानसभाओं की, ये सोचने का काम मत करिए। आप ये सोचिए कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सब श्री राजकिशोर सिंह खुद हैं और आप वहाँ पर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और लड़वाने का काम कर रहे हैं। बस्ती की एक एक सीट को टीम से ही बजा करके अपनी पूरी ताकत लगाते हुए और आप लोग श्री राजकिशोर सिंह के साथ में खड़े होते हुए, हम लोगों के साथ में खड़े होते हुए, बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं जो आएंगे आपके बीच में उनके साथ में खड़े होकर के और आप लोग बहुजन समाज पार्टी के हर प्रत्याशी को आप जिताने का काम करिए और ऐसे वोटों से जिताने का काम करिएगा कि बस्ती का नाम उत्तर प्रदेश में विधानसभा में इसलिए गूंजे कि 5 की 5 विधानसभाएं तो जीत करके आए हैं लेकिन रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। जितने संख्या से बहुजन समाज पार्टी के लोग बस्ती से जीते हैं उतना उत्तर प्रदेश में कोई जीत करके नहीं आया है, इसका रिकॉर्ड बनाने का काम करिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बस्ती।
कांग्रेस जी।